अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। कुछ ऐसे ही विचार थे आधुनिक भारत के चिंतक और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के। वेदों का अनुवाद करने के कारण उन्हें ऋषि की उपाधि प्राप्त हुई और सर्वप्रथम स्वराज्य का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। तो प्रस्तुत है उनके जीवन चरित्र पर आधारित एक प्रेरक प्रसंग। एक बार एक जर्मन दार्शनिक ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से कहा, स्वामी जी, आपका बलिष्ठ शरीर और ओजस्वी मुखमंडल देखकर मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। क्या मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव है कि आप जैसा सशक्त शरीर और तेजयुक्त मुखमंडल प्राप्त हो सके? यह सुनकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, जो व्यक्ति अपने को जैसा बनाना चाहता है बना सकता है। हर व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुरूप ही बनता बिगड़ता रहता है। तुम्हें सर्वप्रथम एक लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, फिर उसकी पूर्ति के लिए संकल्प करके तदनुकूल प्रयत्न करना चाहिए। एकाग्र मन से किए गए कार्य एक दिन सफलता की मंजिल पर अवश्य लाकर खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचार, जो आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होते हैं। वह अच्छा और बुद्धिमान है जो हमेशा सच बोलता है, धर्म के अनुसार काम करता है और दूसरों को उत्तम और प्रसन्न बनाने का प्रयास करता है। हम भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के इन विचारों का अनुसरण करें और राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।